अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आप लोगों के लिए एक दरख्वास्त लेके आए हैं दोस्तों, उर्दू का दरख्वास्त जो कि 12वीं क्लास और 10वीं क्लास में, यानी कि 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में और 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसको आप लोग मैट्रिक कहते हैं और इंटर कहते हैं, जिसका उर्दू है 100 नंबर का उसको तो कंपलसरी आना है। जिसका उर्दू 100 नंबर का होता है उसको तो एक दरख्वास्त और एक ख़त आता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों के लिए दरख्वास्त लेके आए, और छुट्टी के सिलसिले में तो अक्सर पूछा जाता है, छुट्टी के सिलसिले में क्या कि आप 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए, बीमारी की हालत में आप दरख्वास्त लिखिए अपने उस्ताद को या फिर अपने हेडमास्टर को, तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है दरख्वास्त में। और ये दरख्वास्त होते हैं 5 नंबर का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है दोस्तों, उसी 5 नंबर का जब देखेंगे और पूरा करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या सब लिखना है, अगर पूछे कि बीमारी मतलब कि बीमार की वजह से अगर दरख्वास्त लिखना है, छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखना है, तो आपको लिखना क्या होगा, दरख्वास्त बराए छुट्टी बोझ बीमारी, यानी कि बीमारी के सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं, दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है, छुट्टी बीमारी की वजह से छुट्टी ले रहे हैं। तो इसमें लिखना है बख़िदमत जनाब हेडमास्टर साहब, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम दे देंगे, बख़िदमत जनाब हेडमास्टर साहब अपने स्कूल का नाम, उसके बाद देना है, नंबर एक हो गया। नंबर दो में देना है जनाब आली, नंबर दो में क्या देना है, जनाब आली। और नंबर तीन में लिखना है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया, यानी कि आपके ज़ेर साया का मतलब क्या होता है, आपके नज़दीक आपके यहाँ आपके ज़ेर साया 10वीं या 12वीं का तालिब इल्म हूँ, है कि नहीं, मतलब 10वीं जो 10वां में है, जो 10th क्लास में है, जो बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक का देगा उसको अपना 10वीं लिखना है, और जो इंटर का एग्ज़ाम देगा उसको 12वीं लिखना है, कि ज़ेर साया 10वीं का तालिब इल्म हूँ या फिर ज़ेर साया 12वीं का तालिब इल्म हूँ। मुझे कल रात से सख्त बुखार है हसन, जिसकी वजह से मैं आज स्कूल हाजिर होने में कासिर हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे, कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया 10वीं या 12वीं का तालिब इल्म हूँ, मुझे कल रात से सख्त बुखार है जिसकी वजह से मैं आज स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ, मतलब नहीं हो सकता, मेहरबानी फरमाकर मुझे 3 दिन की रुख्सत इनायत करें। यहाँ पे छुट्टी भी दे सकते हैं, रुख्सत की जगह पे छुट्टी इनायत करें, ठीक है। तो मेहरबानी फरमाकर मुझे 3 दिन की रुख्सत इनायत करें। उसके बाद ये 4था नंबर था, और 5वां नंबर में लिखना है, आपकी ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद अल आरिस 6 नंबर में आ जाएगा, आपका तालिब इल्म अपना नाम यहाँ पे दे देना है, जो भी आपका नाम होगा वो दे देंगे और डेट भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये था टोटल क्या उर्दू में जो है दरख्वास्त कैसे लिखेंगे बीमारी के ऊपर, कि हम बीमार हैं तो दरख्वास्त लिखना है हेड मास्टर को या फिर अपने उस्ताद को। तो अगर उस्ताद को आएगा तो यहाँ पर हेड मास्टर नहीं दीजिएगा, बख़िदमत जनाब उस्ताद उस्ताद साहब यहाँ पे देंगे उस्ताद, ठीक है, हेड मास्टर की जगह पे उस्ताद देंगे, ठीक है। तो ये था उर्दू में दरख्वास्त और भाई छुट्टी के सिलसिले में बुखार के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।